जिसको किडनैप करने का आम आदमी पार्टी ने लगाया था बीजेपी पर इल्जाम, उसी नेता ने किया पार्टी पर पलटवार, और इस केस से जुड़ी सारी डिटेल्स जानेंगे हमारी इस वीडियो में। कल अचानक से सब हैरत में आ गए थे जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष ने ये कहा था कि उनकी पार्टी के गुजरात के कैंडिडेट कंचन को बीजेपी ने किडनैप करवा लिया है और उनका परिवार भी साथ में मिसिंग है, वो तो धरना देने को भी तैयार हो गए थे। जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था कि कहीं कंचन अगवा तो नहीं हो गए। इन्हीं आरोपों के कुछ समय बाद कंचन इलेक्शन ऑफिस में नजर आते हैं और अपना नामांकन यानी नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं। इसकी वीडियोस भी वायरल होती हैं और लोग ये भी कह देते हैं कि उनसे गन पॉइंट पर रखकर नॉमिनेशन वापस करवाया गया है। ये ब्लेम गेम चल ही रहा होता है कि जिस कंचन जरीवाला को लेकर सारी कॉन्ट्रोवर्सी है वो सामने आते हैं और उनके बयान ने पूरी बात ही पलट दी। कंचन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सूरत के वर्कर्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया था, वो सभी वर्कर्स कंचन से पैसे मांग रहे थे और कंचन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं थे। वर्कर्स ने वो डिमांड की थी जो कंचन पूरी नहीं कर सकते थे। उन्हें पार्टी की तरफ से भी काफी प्रेशर आ रहा था, लोग उन्हें बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने बेटे के दोस्त के साथ चले गए थे और बीजेपी का इस पूरे मामले में कोई हाथ नहीं था। अब वो आगे क्या करने वाले हैं वो कंचन 5-7 दिन के बाद बता ही देंगे। यानी आपका बीजेपी पर किडनैपिंग का ये इल्जाम छोटा साबित होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी स्टेटमेंट पब्लिसिटी के लिए और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए देती रहती है। आम आदमी पार्टी में पैसे के लेन देन की कई बातें सामने आ रही हैं। पहले एक नेता ने पार्टी पर 2-3 करोड़ में दिल्ली एमसीडी की टिकट बेचने का आरोप लगाया था और टिकट ना मिलने पर इलेक्ट्रिसिटी टावर पर चढ़ गए थे। फिर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को कैश फॉर टिकट केस के चलते अरेस्ट भी किया है, हालांकि पार्टी ने उन सभी नेताओं से लिंक से इनकार कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये किडनैपिंग का इल्जाम आम आदमी पार्टी ने पब्लिसिटी के लिए लगाया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।